नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं आप लोग का विशेष मांग के लिए कि रेलवे एएलपी का, रेलवे ड्राइवर का मेडिकल कैसे होता है और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या टेस्ट होता है। तो मैं ये जो वीडियो जो हूं, अपना छोटा भाई जो कि लोको पायलट है उससे मैं बनवाया हूँ कि बता दो बाबू कि तेरे साथ क्या क्या हुआ था, तेरा मेडिकल में क्या क्या हुआ था। तो लाइन से बहुत अच्छी तरह से बताया है कि मेडिकल कैसे हुआ था। मैं यदि थोड़ा सा बता दूं तो ऐसे ये वीडियो के लास्ट में वही बताएगा आपको पूरा डिटेल, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर आया, उसमें बुलाया गया कि आप वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आइए। तो हम लोग गए और वहाँ पर सबसे पहले सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हुआ। सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन में क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए यदि आपको ये जानना है तो आप कमेंट करना, मैं उसके लिए एक वीडियो अलग से बनवा दूंगा। तो सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो जाने के बाद उसको जो है एक कागज़ मिला कि अब जाओ, रेलवे का हॉस्पिटल है, डीआरएम ऑफिस के पास ही लगभग रहता है, वहाँ पर आप क्या करो, अपना मेडिकल करा लो। तो वहाँ पर हम और भाई दोनों गए। तो वहाँ पर सबसे पहले जाते जाते शाम हो चुका था, शाम में पहले आई का टेस्ट हुआ, उसको एक रूम में ले जाया गया। मैं बाहर था तो मैं बता नहीं सकता हूँ अंदर में हुआ क्या, लेकिन वो अंदर से आया बाहर जब, तो बताया कि उसको पहले कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हुआ, एक कॉपी टाइप का, किताब टाइप का दिखाया गया, उसमें बहुत सारा कलर का फिगर था, तो जो कलर ब्लाइंडनेस है उसको वो पकड़ नहीं पाएगा, तो वो चीज़ हुआ। फोग टेस्ट हुआ, 6x6 का आँख का टेस्ट हुआ। फोग टेस्ट का मतलब कुहासा जब हो जाए तो आपको उसमें दिखाई देगा कि नहीं देगा। आँख का टेस्ट हो जाने के बाद फिर कल उसको सुबह बुलाया गया कि आ जाना, खाली पेट और यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट आपका होगा। तो अगले दिन हम लोग सुबह गए, यूरिन का सैंपल लिया गया, ब्लड का सैंपल लिया गया, उसके बाद ECG, इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट हुआ, ECG, उससे पता चलता है कि आपका हार्ट बीट क्या है। उसके बाद ECG का टेस्ट हुआ, ECG में पता चलता है कि आपका हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा घट तो नहीं जाता है, तो उसमें हार्ट बीट का मेनली टेस्ट हुआ ECG का। तो ECG के बारे में कुछ टिप्स भी अगर आपको पता करना होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगा। तो ECG आप मेडिकल कराने से पहले टेस्ट भी अपना करा लीजिएगा कि आपका ECG कैसा है। ECG टेस्ट होने के बाद आपका एक्सरे का टेस्ट हुआ सीना का, कि आपको कोई TB वगैरह या कुछ उस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्सरे टेस्ट होने के बाद फिर से आई टेस्ट हुआ और उसमें एक आँख में एक ड्रॉप डाला गया, उससे क्या हुआ, मेरा भाई का पुतली बहुत बड़ा हो गया और उसको दिखने में बहुत प्रॉब्लम होने लगा। मैं उसका पुतली को देखा, जो प्यूपिल होता है वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा चमक रहा था, हर चीज़ देखने में उसको प्रॉब्लम हो रहा था और आंसू भी थोड़ा बहुत बह रहे थे। वो चीज़ के बाद उसको एक रूम में ले जाया गया और डॉक्टर उसका आँख को बहुत अच्छी तरह से टेस्ट किए कि कहीं वो आँख में सर्जरी तो नहीं कराया हुआ है, कहीं वो कॉन्टैक्ट लेंस तो नहीं लगाया हुआ है। बहुत सारा लेजर से सर्जरी करवा लेते हैं, अपना पावर जो गड़बड़ रहता है वो ठीक कर लेते हैं, वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो आई का टेस्ट हो जाने के बाद फिर से जो है बहुत सारा प्रोसेस होने के बाद शाम में जो है बोला गया कि आपका मेडिकल सब चीज़ हो चुका है, अगले दिन आपको DRM ऑफिस चले जाइए, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप फिट हो या अनफिट हो। तो अगले दिन सुबह गए तो वहाँ पर A1 जो LP के लिए क्राइटेरिया है, A1 वो उसको मेडिकली फिट पाया गया A1 के लिए, और उसी दिन उसको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया और बैंक में, वहीं पर DRM ऑफिस के पास बैंक था, उसके पास उसको बोला गया कि बैंक में आप खाता खुला लो, खाता नंबर वगैरह दे दो और न्यू पेंशन स्कीम जो NPS है वो सभी फॉर्म वगैरह भरवा दिया गया, यानी फाइनली उसका ज्वाइनिंग हो गया। ज्वाइनिंग लेटर के बाद बोला गया 10 दिन के बाद आप आ जाओ और आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो आप खुद उसके द्वारा सुन लो कि वो कैसे कैसे उसका ट्रेनिंग हुआ था, मेडिकल हुआ था, अच्छे से सीख। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP की मेडिकल टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे घर पे एक कॉल लेटर आया था, उस कॉल लेटर में ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट लिखा हुआ था और
कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए उसमें फॉर्मेट्स थे, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर आपको पूछेंगे तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक डेट लिखा हुआ रहता है, उस डेट पे सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके अपने डिवीजन में, जिस डिवीजन से कॉल लेटर आया था उस डिवीजन में पहुंचना रहता है। तो अगर आप सही टाइम पे नहीं भी पहुंच पाए तो भी उतना घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोग आए थे वो पहले के डेट वाले थे और बाद में आए थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन सही समय पर पहुंचिएगा तो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले का रहेगा। तो सारे डॉक्यूमेंट वहां पर वेरिफिकेशन होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद सब कुछ जब सही पाया जाएगा तो 20 रुपए का चार्ज लगता है मेडिकल टेस्ट कराने का, वो आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद हम लोग जितने लोग थे सबको रेलवे अस्पताल में भेज दिया गया था। तो दोस्तों वहां पर रेलवे अस्पताल में जब मुझे भेजा गया था उस समय करीब शाम हो गई थी, 15 बज गए थे, यानी कि 3 बज गए थे शाम के। तो उस समय हम लोग जितने लोग आए थे तो करीब उस दिन में 10 लोगों का बुलाया गया था, तो 10 लोग हम लोग गए हुए थे। तो 10 लोग जब हम लोग रेलवे अस्पताल में गए तो 10 का एक साथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराया गया। सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट ही होगा, उसमें आपको हाइट वेट, वैसे हाइट और वेट का मतलब सिर्फ हाइट और वेट का रेशियो से है कि हाइट और वेट के हिसाब से आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट है, ये चेक किया जाएगा, ठीक है। आपके कान चेक किए जाएंगे, आपको उठक बैठक कराया जाएगा जिससे आपका शरीर सही से काम कर रहा है कि नहीं वो पता चलेगा। आपकी उंगलियां चेक करी जाएंगी कि सारी उंगलियां हैं कि नहीं है। हर्निया का टेस्ट भी उसी समय हो जाता है अलग अलग करके। उसके बाद फिर आई का टेस्ट होता है उस समय। तो आई का टेस्ट में सबसे पहले हम लोग को कराया गया था नियर विजन टेस्ट, उसमें बारी बारी से सबका एक आंख बंद करा के और लेफ्ट आई बंद करा के राइट आई से पढ़वाते हैं एक किताब पास में लाकर, और फिर उसके बाद दूसरी आंख से पढ़वाते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपका आंख वैसे भी 6x6 लगभग भी होगा तो आप आराम से उसको पढ़ पाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग का फार विजन टेस्ट कराया गया था। फार विजन टेस्ट जो 6x6 सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो कराया जाता है कहीं भी, वो वाला आपको टेस्ट कराया जाएगा जिसमें दूर में अल्फाबेट्स लिखे हुए होंगे, उन अल्फाबेट्स को आपको पढ़ के नीचे तक बताना है। तो वो जैसा भी आप बताएंगे वो आपको लिखते जाएंगे, सही बता रहे गलत बता रहे आपको बताएंगे नहीं, लेकिन सारा रिपोर्ट वो लिखते जाएंगे। उसके बाद हम लोग का डार्क रूम टेस्ट कराया गया था। डार्क रूम टेस्ट में क्या करते हैं कि नाइट विजन टेस्ट का चेक करते हैं। नाइट विजन टेस्ट में एक अंधेरा कमरा रहता है, उसमें ले गए थे हम लोगों को। उसमें कुछ सी अल्फाबेट लिखे हुए रहते हैं, मतलब एक गोला में थोड़ा सा कटा हुआ रहता है, उसको गोल गोल घुमाते हैं और अंधेरे में, और एक आंख बंद करके पढ़वाते हैं बारी बारी से कि बताओ किधर से कटा हुआ है, यानी सी ऊपर से कटा हुआ है या दाएं बाएं। तो जो भी आप बताएंगे वो उसको नोट करेंगे। नाइट विजन टेस्ट के बाद हम लोग का फॉग विजन टेस्ट हुआ था। फॉग विजन टेस्ट में एक धुंधला चश्मा पहनाया जाता है जिससे काफी धुंधला दिखाई देता है, और उस धुंधलापन में आपको उतना हार्ड तो नहीं रहेगा जितना 6x6 में था, लेकिन उस धुंधलापन में उसके कंपैरिजन में ही लगभग लगभग आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ताकि आप फॉग में जब ट्रेन चलाएं तो आपको किस हिसाब से सिग्नल वगैरह दिखते हैं इसका टेस्ट उससे हो जाता है। फिर उसके बाद लैंटर्न टेस्ट, यानी लालटेन, लाल रंग, हरा रंग और पीले रंग का लालटेन, दो बत्तियां जलाते हैं, कभी दो पीला जलाते हैं, कभी दो लाल, कभी दो हरा, फिर लाल पीला हरा बारी बारी से जलाते हैं, और उसको आपको देखना है, लेकिन उसके लिए आपके आंखों पर भी एक लाल रंग का शीशा चढ़ा देते हैं, तो लाल रंग के शीशे के पार आपको देख के बताना है कि आपको कौन सा रंग का दिख रहा है। लेकिन आप इसमें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जिस रंग का वो होगा उस रंग का आपको दिखेगा, इसके लिए आपको नो डाउट आपको या तो लाल दिखेगा या तो हरा या तो पीला, इसके अलावा और कोई रंग तो उसमें होता नहीं है। और एक टेस्ट उसके बाद कलर विजन टेस्ट। कलर विजन टेस्ट में एक डायरी होती है, उस डायरी में कुछ फिगर्स होते हैं और उसमें रंग से 6, 69, 41, 71 ऐसे लिखा हुआ रहता है, और कुछ रास्ते होते हैं वो आपको बताना पड़ता है। वो भी आपका हो चुका होगा पहले ही, जब 6x6 का बनाए होंगे या बनवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सब टेस्ट होने के बाद फिर वहां से हम लोगों को छुट्टी देकर भेज दिया गया कि अगले दिन आप आइएगा खाली पे, मतलब बिना खाना खाए आइएगा, क्योंकि उसमें आपको
ब्लड का सैंपल देना है और यूरिन का सैंपल देना है। इसके लिए हम लोग रात को अच्छा दही वगैरह खा लिए थे ताकि सारा यूरिन का सैंपल, ब्लड का सैंपल सब ठीक है। दही खाइए और सुबह आपको खाली पेट में ही जाना है तो इसके लिए आप पानी का बोतल ले सकते हैं, मिनरल वाटर, ताकि उसको पानी को दो बोतल पीते रहें, आपका यूरिन सैंपल अच्छा आएगा। और ब्लड सैंपल भी लिया जाएगा। ब्लड सैंपल जब लिया जाता है तो उसमें सिर्फ आपको दो चीजें ही देखते हैं कि आपका HIV टेस्ट होता है उसमें और ब्लड शुगर टेस्ट होता है। ये दो टेस्ट होंगे आपके, उसमें भी आपको कोई चिंता की बात नहीं है। और यूरिन सैंपल में भी बस पानी पी के जाइएगा, ज्यादा 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 पानी पीजिएगा, मिनरल वाटर, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके बाद फिर चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है ताकि आपका चेस्ट कैसा है वो देखा जाता है। तो हम लोगों को उसके बाद चेस्ट का एक्सरे लिया गया था, उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चेस्ट के एक्सरे के बाद ये ECG का टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसमें आपका हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा उसके बारे में वो टेस्ट होता है। उसके लिए आपको कुछ वायर चिपका देते हैं शरीर पे और उसी से सिग्नल मिलते हैं। अगर आपको ECG के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप ECG आप पहले करा के देख लीजिए तो आपको ज्यादा इसमें बेटर होगा। तो आप क्या करेंगे कि ECG के बाद, ECG का अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा है तो आप ECG चेक करा लें। और फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक टेस्ट हुआ था। ब्लड प्रेशर टेस्ट कैसे हुआ था, 20 बार उठक बैठक करवा लिए थे ताकि उनको पता चले कि हाँ अभी कैसा है ब्लड प्रेशर, तो उस समय चेक हुआ था। ब्लड प्रेशर ये सब चेक कराने के बाद सबसे अंत में एक टेस्ट हुआ था, वो भी आंख से रिलेटेड ही था, उसको बोलते हैं फंडास टेस्ट। उसमें क्या करते हैं कि आंखों में एक ड्रॉप डालते हैं, उस ड्रॉप से आंखों की पुतलियां थोड़ी सी फैल जाती हैं। तो जब हम लोग का ये टेस्ट हुआ था तो आंखों में ड्रॉप डाला गया था, तो उसमें उसके बाद कुछ भी आप दिखाई देना सब कुछ बंद हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ब्राइटनेस पूरा एरिया की बढ़ जाएगी। तो करीब करीब आधा घंटे तक, आधा से एक घंटे तक मुझे या मेरे दोस्तों को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके बाद बारी बारी से मशीन से उसमें चेक किया जाता है कि आपकी पुतलियों पे कभी लेजर ऑपरेशन हुए हैं या नहीं, बस उसमें यही टेस्ट होता है। इसके बाद सारा कुछ अगर फिट पाया गया तो जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो फिट इन A1 लिख करके एक सर्टिफिकेट देते हैं, छोटा सा पेज रहता है, वो पेज आपको रेलवे हॉस्पिटल से लेके जाना है और वो पेज आप वापस DRM ऑफिस में लेके जाएंगे तो आपको सर्विस बुक फिलअप करा दी जाएगी। सर्विस बुक फिलअप करा देने का मतलब आप रेलवे के सर्वेंट हो गए हैं, इसके बाद आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे। और एक टिप्स है कि जब आंखों का टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन आप खाली पेट ना जाएं, क्योंकि खाली पेट जाने से आंखों का थोड़ा सा विजन कमजोर होता है, इसलिए आप उस समय खाना खा कर जाएं और जिस समय भी यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल लिया जाए उस समय आप पानी से पी के जाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और ECG और ब्लड प्रेशर के समय पे बिल्कुल भी ना घबराएं, आपका सब कुछ नॉर्मल आएगा। अगर आप घबरा जाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसलिए आप उस समय घबराएं नहीं। और फंडल टेस्ट में भी आप टेंशन ना लें अगर कोई आपका ऑपरेशन नहीं हुआ आंखों का। धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेडिकल टेस्ट के बारे में। अगर और भी इससे जुड़ी कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।